हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, मजेदार। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। और मेरा नाम है संजीव पांडे। ओके, मौसम बहुत मजेदार हो चुका है, बारिश हो गया है, बारिश चालू हो गया है। ओके, तो मौसम अच्छा है तो ऐसा नहीं कि निकल जाओ घूमने। ओके, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखो भाई, मौसम कैसा भी रहे पढ़ाई हमेशा चलती रहनी चाहिए। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हम लोग ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टार्ट किया था, हम लोग ने ऑलरेडी उस पर एक लेक्चर वीडियो अपलोड कर दिया है। थोड़ा सा गैप हो गया है ज्यादा, बट अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा है, लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड तुमने नहीं देखा है पहला लेक्चर, तो पहले जाओ पहला लेक्चर देखो, बाद में यहाँ पे जम करो। ओके, आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पास्कल लॉ का, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ का, और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर दैट इज मर्कुरी बैरोमीटर एंड ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये दो चीज का हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में आने का चांसेस होता है, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो बुक और पेन लेके बैठ जाओ, खाने पीने का सामान लेके बैठ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। ओके, तो पास्कल ऑब्वियसली साइंटिस्ट है जिनके नाम पर प्रेशर रखा गया है। ओके, प्रेशर का यूनिट रखा गया है। ओके, सो उन्होंने एक लॉ बनाया था, क्या लॉ बनाया था, व्हाट इज पास्कल लॉ? तो पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द एनक्लोज्ड फ्लूइड और रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिशनली टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पे भी एनक्लोज्ड फ्लूइड का सिस्टम है, ओके, क्या है, एनक्लोज्ड फ्लूइड का सिस्टम है, लेट्स से कि इसको कंसीडर करते हैं विद द एग्जांपल कि यहां पे दो पिस्टन लगे हुए हैं। ओके, पिस्टन तुमने पढ़ा है जनरली, तुम्हारा सिरिंज जो होता है वो मान लो, तो यहां पे दो पिस्टन लगे हुए हैं, ये तुम्हारा सिरिंज है, सिरिंज सब लोग ने देखा है, इसीलिए मैं सिरिंज का एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे पाइप है और यहां पे एक और सिरिंज लगा हुआ है। ओके, एक और सिरिंज लगा हुआ है। जनरली क्या है कि भाई यहां पे फ्लूइड है, कोई तो फ्लूइड है। ओके, जनरली वाटर मान लेते हैं, बट कोई भी फ्लूइड हो सकता है, कोई भी फ्लूइड है। ओके, लेट्स से अब क्या होगा, अब अगर मैं इस वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाऊं, क्या लगाऊं, प्रेशर लगाऊं, तो जब मैं इस वॉल के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा, ये पीछे जो पिस्टन है इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा, तो ये सेम प्रेशर ट्रांसमिट होगा ये एंड पे। ओके, अब सिर्फ ये एंड पे नहीं, तुम कहीं पे भी पूरे लिक्विड में कहीं पे भी अगर तुम प्रेशर मेजर करोगे ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इवन ऑन द वॉल, ये जो वॉल दिख रहा है, इस वॉल पे भी अगर तुम प्रेशर मेजर करोगे ना, तो दैट प्रेशर विल बी सेम, दैट प्रेशर विल बी सेम, मतलब जो प्रेशर यहां पर लग रहा है ना, वही प्रेशर ऑल डायरेक्शन में और हर एक फ्लूइड पे और हर एक वॉल पे क्या लगने वाला है, सेम लगने वाला है। दैट इज नथिंग बट अ पास्कल लॉ, वही है पास्कल लॉ भाई। पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द एनक्लोज्ड फ्लूइड और रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, भाई हर एक पॉइंट, सिर्फ फ्लूइड पे नहीं, ऑल्सो ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर पे भी सेम प्रेशर लगाएगा। ओके, बात सुना, दिस इज नथिंग बट पास्कल लॉ। और इसका तुमने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट देखा रहेगा बचपन में, तुम लोग ने हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाया रहेगा बचपन में, तुमने कहीं ना कहीं कोई बोलते हैं ना एग्जीबिशन होगा, वहां पे तुम लोग ने हाइड्रोलिक क्रेन देखा होगा, ये सुनो, हाइड्रोलिक क्रेन देखा है। रियल में भी तुम देखते हो ना जेसीबी, इट्स तुम लोग पता है जेसीबी यूज होता है, देखो। ओके, कहीं पे भी खड्डा खोदते हैं तो फटाक से हम खड़े हो जाते हैं, ये सुनो देखने के लिए, वो दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल, भाई वो पास्कल लॉ पे ही काम करता है। ओके, तुम्हारे हाइड्रोलिक लिफ्ट्स पास्कल लॉ पे काम करते हैं। ओके, सो अगर हम लोग देखने जाए, तुम्हारा हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इट इज ऑल्सो वर्क ऑन द पास्कल लॉ, जो तुम्हारे बाइक में होता है ना, जिसको हम लोग डिस्क ब्रेक बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट वो वर्क ऑन द पास्कल लॉ। तो कैसे काम करता है, क्या है, सारा चीज यहां पे देखने वाले हैं, तो एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम लोग किसका, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट का। ओके, किसका डिस्कशन करेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट का। तो क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट की कहानी, देखो जरा। तो सिंपली अगर हम लोग देखने जाए तो हाइड्रोलिक लिफ्ट की कहानी कैसे बनती है, जैसे मान लो कि यहां पे एक प्लेटफॉर्म है और ओके, अब यहां पे एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म को किसी पिस्टन से अटैच किया हुआ, क्या किया हुआ, किसी पिस्टन से अटैच किया हुआ, इस प्लेटफॉर्म को भी किसी पिस्टन से अटैच किया हुआ है, ये पिस्टन है,
और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। अब जनरली कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं, बट जनरली हम लोग यूज करते हैं ऑयल, क्योंकि जो ऑयल है वो रेजिस्टिव फ्री होता है, तो हम लोग जनरली यूज करते हैं ऑयल। ओके, अब मान लो लेट्स से कि भाई मैं यहां पे कोई फोर्स लगा रहा हूं, लेट्स से फोर्स F1। तो अगर हम लोग देखने जाए तो इसका जो एरिया होगा, लेट्स से वो एरिया है विल बी A1। ओके, अब ऑब्वियसली यहां पे अगर कोई फोर्स लगाएंगे, दैट फोर्स इज F1 एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट पिस्टन और दैट प्लेटफॉर्म इज A1, तो जाहिर सी बात है यहां पे कोई प्रेशर लगेगा, लेट्स से दैट प्रेशर इज P1। अब यहां पे कोई प्रेशर लगेगा तो ये फ्लूइड को क्या करेगा, दबाएगा। अब ये फ्लूइड को दबाएगा तो ये क्या करेगा, फ्लूइड ऊपर धक्का देगा, मतलब ये वाला प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब यहां पे फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, लेट्स से फोर्स F2 है ना, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी A2 है ना, और यहां पे जो प्रेशर लगेगा दैट प्रेशर विल बी P2। अब मुझे पता है बाय पास्कल लॉ, बाय पास्कल लॉ, बाय पास्कल लॉ क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखने जाए तो जो P1 है और जो P2 है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर ऑल डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में विद इन अ फ्लूइड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर क्या ही होता है, सेम होता है, मतलब जितना प्रेशर यहां पे लग रहा है उतना ही प्रेशर यहां पे लगेगा, हाँ या ना, ऑब्वियस ही बात है। तो सिंस P1 इज इक्वल टू P2, अब अगर P1 P2 से बराबर है तो व्हाट इज द प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, तो F अपॉन एरिया यहां पे आ जाएगा F2 बाय A2, है ना। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, अब मुझे पता है F1 कितना होगा क्योंकि वो तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, है ना, A1 मुझे पता होगा, A2 मुझे पता होगा, तो मैं F2 डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं, तो यहां से मेरे को F2 क्या मिलेगा, therefore F2 will be, F2 will be, that is F1 A2 by A1। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग देखने जाए तो A2 बड़ा है, सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1, सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1, ये रेशियो हमेशा तुमको बड़ा मिलेगा, हाँ या ना, मतलब तुमको F2 हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन F1 मिलेगा। ओके, मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पे छोटा पिस्टन इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी बड़ा चीज उठा सकते हैं। ओके, जैसे तुमने ध्यान दिया रहेगा, जब कभी भी तुम्हारे गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, फोर व्हीलर का किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, तो जो पंचर वाला है देखो एक हाइड्रोलिक सेटअप लाता है, ओके, हाइड्रोलिक लिफ्ट लाता है, उसको गाड़ी के नीचे लगाता है और उसको दबाता है, देखो हाथ से दबाने पे, मतलब तुम हाथ से क्या ही फोर्स लगा रहे हो, ना के बराबर फोर्स लगा रहे हो, मतलब कम से कम फोर्स लगा रहे हो और तुमको वो पूरा का पूरा गाड़ी उठ जा रहा है, मतलब वो पूरा का पूरा गाड़ी लिफ्ट हो जा रहा है, और गाड़ी का ऑब्वियसली अगर हम लोग देखने जाए तो लगभग गाड़ी कितने किलो की होती है, बहुत ज्यादा किलो की होती है, सुनो अगर हम लोग देखने जाए 1000 टन के आसपास गाड़ी आती है, 700 टन 500 टन के आसपास गाड़ी आती है, 1000 टन मतलब 1000 किलो, नॉट 1000 टन, ओके गलती हो गया, 1000 किलो, 500 किलो, 700 किलो, 2000 किलो, ऐसी गाड़ी है, तो अब सोचो 2000 किलो को तुम आसानी से उठा ले रहे हो, 1000 किलो को तुम आसानी से उठा ले रहे हो, मतलब कम फोर्स देके तुमको आउटपुट क्या मिल रहा है, ज्यादा फोर्स मिल रहा है, एंड दैट इज द एप्लीकेशन, एंड दैट इज द बेस्ट एप्लीकेशन। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन, पक्का समझ में आया F2 कहां से आया, F2 इज इक्वल टू F1 A2 बाय A1। अब A2 तुम जितना बड़ा करोगे, A2 तुम जितना बड़ा करोगे तुमको उतना बढ़ के फोर्स मिलता जाएगा, याद रखना। ओके, हाँ, अब ध्यान देना कि इतना भी बड़ा मत कर दो भाई, तुम्हारा जो वॉल है वो भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि हम प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि भाई ये जो वॉल है वो उस हिसाब से नहीं बना होता है, ओके, तो वो फट जाता है, इसलिए तुम देखो वॉल हम लोग जनरली स्टील का बनाते हैं, ओके, क्योंकि वो उतना प्रेशर बेयर कर सके, ऐसा। क्लियर बात समझ में आया, ये बेसिक कहानी समझ में आ गई सबको, एवरीवन पक्का, ओके चलो। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स की, ब्रेक्स कैसे काम करते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, जनरली तुम लोग ने देखा रहेगा कि लेट्स से मैं फोर व्हीलर का एग्जांपल लेता हूं, तो लेट्स से यहां पे टायर है, चार टायर है, लेट्स से दिस इज द व्हील, ओके, और लेट्स से यहां पे तुम्हारा ब्रेक है, ये तुम्हारा ब्रेक सिस्टम है, दिस इज ब्रेक, और ये ब्रेक क्या है, पाइप से कनेक्टेड है, ओके, ये ब्रेक क्या है, पाइप से कनेक्टेड है। अब इसके अंदर क्या भरा है, इसके अंदर भरा है फ्लूइड, इसके अंदर क्या भरा है, फ्लूइड भरा हुआ है, अब इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है पूरा का पूरा। अब जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, जैसे ही मैं ब्रेक पैडल दबाऊंगा, तो क्या होगा भाई, वो ब्रेक पैडल दबाते ही वहां पे एक सेटअप होता है, दैट इज कॉल्ड एज मास्टर सिलेंडर,
और वो मास्टर सिलेंडर दबता है, और जैसे वो मास्टर सिलेंडर दबता है ना, उसके अंदर जो फ्लूड है वो सारे डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करता है। मतलब इस डायरेक्शन में प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करेगा, इस डायरेक्शन में प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करेगा, इस डायरेक्शन में प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करेगा, इस डायरेक्शन में प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करेगा। और वो प्रेशर की वजह से ना यहाँ पे एक प्लेट होता है, यहाँ पे एक क्या पैड होता है, ब्रेक पैड बोलते हैं उसको हम लोग, और ये प्लेट है वो ब्रेक पैड चिपक जाता है इस प्लेट के ऊपर, और ये जो प्लेट है वो टायर से अटैच होता है। तो जैसे ये चिपक जाता है ये प्लेट घूमना बंद हो जाता है, और जैसे ही प्लेट घूमना बंद हो जाता है तुम्हारा टायर घूमना बंद हो जाता है, तो ब्रेक लग जाता है। यस नो? ओके, तो बेसिकली कहानी वही है, प्रिंसिपल वही है कि भाई जो तुम्हारा प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट होगा इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रिंसिपल इज सेम, ओके, बस अलग अलग एप्लीकेशन है। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट का एक एप्लीकेशन हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का एप्लीकेशन हो गया, ओके, वैसे ही तुम्हारे पास हाइड्रोलिक जेसीबी होते हैं जैसे मैंने तुमको बताया सोनो। फिर और हाइड्रोलिक्स में देखने जाए तो हाइड्रोलिक्स और कहां कहां इस्तेमाल होता है, हाइड्रोलिक्स और कहां कहां इस्तेमाल होता है तुम लोग बता सकते हो, और कहां कहां इस्तेमाल होता है जनरली हाइड्रोलिक्स? बहुत एप्लीकेशन है, बस अब बोलते ना दिमाग में नहीं आ रहा है वो चीजें। ओके, तुम्हारे क्रेन में भी इस्तेमाल होता है, हाइड्रोलिक क्रेन में भी इस्तेमाल होता है। ओके, तुमने वो देखा रहेगा हाइड्रोलिक्स, ये भी आते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेयर भी आते हैं, सीढ़ी भी आते हैं, हाइड्रोलिक्स सीढ़ी भी आते हैं। तो तुम लोग कहीं जहां मतलब तुमको ऐसा है ना कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा लोड का काम है, जहां पे फोर्स बहुत ज्यादा लगने वाला है, वहां पे तुम हाइड्रोलिक्स का एप्लीकेशन दे सकते हो। क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का पास्कल लॉ समझ में आ गया? ओके, चलो आगे कहानी बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कहानी इज कॉल्ड एज मर्कुरी बैरोमीटर। ओके, जैसे मैंने तुमको बताया कि भाई हमको क्या करना है, हमको प्रेशर को मेजर करना है। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए वी हैव टू इंस्ट्रूमेंट। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज मर्कुरी बैरोमीटर एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओके, तो एक एक करके दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड मर्कुरी बैरोमीटर। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मर्कुरी बैरोमीटर। तो व्हाट इज मर्कुरी बैरोमीटर? ओके, तो मर्कुरी बैरोमीटर क्यों इस्तेमाल होता है? सबसे पहली चीज कि भाई इससे एटमोस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? एटीएम, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना, मतलब तुम्हारे जो एटमोस्फेयर का प्रेशर है वो प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है। ओके, एटमोस्फेरिक चाहिए तो तुम लोग लिख सकते हो व्हाट इज मर्कुरी बैरोमीटर। मर्कुरी बैरोमीटर इज नथिंग बट अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो कैसे मेजर करते हैं? तो जनरली क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दिस इज द टेस्ट ट्यूब, एंड ये एक तरह का बीकर हो गया या फिर एक तरह का डिश हो गया। अब इस डिश के अंदर मर्कुरी भरा होता है, तो ये पूरा का पूरा मर्कुरी है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा मर्कुरी है। ओके, और ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी पूरा का पूरा मर्कुरी होता है, मतलब पूरा का पूरा टिप तक पूरा का पूरा क्या करते हैं हम लोग, मर्कुरी भरते हैं। अब पूरा एंड तक भरा होता है, उसके बाद उस टिप को दबाते हैं, मतलब ब्लॉक करते हैं, और उसको टिल्ट करते हैं किसके अंदर, इस डिश के अंदर, और उसके बाद थंब हटा देते हैं। तो अब क्या होता है, अपने आप कुछ थोड़े बहुत मर्कुरी क्या होते हैं, फ्लो हो जाते हैं इस डिश के अंदर। थोड़े बहुत मर्कुरी क्या हो जाते हैं, इस डिश के अंदर फ्लो हो जाते हैं। अब जैसे ही थोड़े बहुत मर्कुरी इस डिश के अंदर फ्लो हो जाएंगे, तो यहां पे थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट गैप इज अ वैक्यूम, एंड दैट वैक्यूम इज कॉल्ड एज टॉरिसेली वैक्यूम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टॉरिसेली वैक्यूम। व्हाई टॉरिसेली? बिकॉज ये सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो टॉरिसेली ने किया था, तो इसलिए हम लोग उनके नाम पे वो करते हैं, उन्होंने नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड एज टॉरिसेली वैक्यूम। ओके, अब वो जो वैक्यूम है भाई, वहां पे कोई भी पार्टिकल नहीं है। ओके, वाटर एयर पार्टिकल, वाटर पार्टिकल कुछ नहीं है। हाँ, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत पार्टिकल प्रेजेंट रहता है तो वो मर्कुरी रहता है, बट हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि भाई मर्कुरी इतना ज्यादा डेंस है कि उसके वेपर्स वहां पे प्रेजेंट ना रहे, हम ऐसा मान लेते हैं। बट थोड़े बहुत ऑब्वियसली वहां पे वेपर्स प्रेजेंट रहेंगे, किसके? मर्कुरी के। बट अब मान लो कि वहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज टॉरिसेली वैक्यूम। सिंस वहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहां पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा, यस नो? और यहां पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा, मतलब पीए पॉइंट पे कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा होगा, यस नो? ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कंसीडर अ टॉरिसेली वैक्यूम एट टॉप ऑफ टेस्ट ट्यूब। एट टॉप ऑफ टेस्ट ट्यूब, सुनो, कंसिडर अ टॉरिसेली वैक्यूम एट अ टॉप ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो सिंस वहां पे वैक्यूम है, सो वहां पे प्रेशर क्या होगा? जीरो। तो भाई जो पीए प्रेशर है, दैट बिकम जीरो। अब अपने को इतना समझ में आ गया कि भाई पीए प्रेशर जीरो हो गया, हाँ, है ना? अब ध्यान दो, अब अगर हम लोग सी पॉइंट देखें, तो सी पॉइंट देखो एटमोस्फियर पे खुला हुआ है, मतलब सी पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फियर, हाँ, है ना? तो ये जो सी पॉइंट है,
ये सी पॉइंट पे क्या ही प्रेशर लग रहा होगा, सी पॉइंट पे प्रेशर लग रहा होगा ड्यू टू एटमोस्फियर, दैट इज पी नॉट हाई है ना। सिंस सिंस सी इज ओपन टू एटमोस्फियर, भाई जो मेरा सी पॉइंट है वो एटमोस्फियर पे ओपन है, तो मैं बोल सकता हूं एट सी द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग, एट सी द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग हाई है ना, बराबर। सी पॉइंट पे एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं पीसी किसके बराबर है, पीसी बराबर है पी नॉट के। हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट, तो पीसी किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट। अब ध्यान दो भाई, सी और बी दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। यहां पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये जो बी पॉइंट है ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है सी पॉइंट पे, तो मैं बोल सकता हूं सिंस ऑल्सो पॉइंट बी एंड पॉइंट सी इज एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके मैं बोल सकता हूं कि ऑल्सो पॉइंट बी एंड पॉइंट सी इज एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, दोनों का प्रेशर सेम होगा, यस और नो भाई, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना, मतलब मैं बोल सकता हूं देयरफॉर प्रेशर एट सी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। भाई ये दोनों एटमोस्फेयर, देखो सी किसके बराबर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो सी पे जितना प्रेशर एक्ट हो रहा है उतना ही बी पे एक्ट हो रहा है, और सी पे एक्ट कितना हो रहा है पी नॉट, तो मैं बोल सकता हूं भाई पी पे बीपी पे क्या प्रेशर एक्ट हो रहा है, पीबी पे कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पी नॉट हाई है ना। अब ध्यान से देखो व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू कॉलम, लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर आता है, दैट इज दिस प्रेशर प्लस रो जी एच, यस और नो भाई, रो जी एच हाइट हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, कितना हाइट है ये हॉरिजॉन्टल से कितना हाइट इंक्रीज हो रहा है वो तो हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, दैट इज नोन वैल्यू टू अस, तो हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, तो पीबी पे कितना प्रेशर लगेगा, पीबी पे प्रेशर लगेगा दैट इज पी ए प्लस रो जी एच, भाई प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला है हम लोग ने पढ़ा था, अगर अभी नहीं पढ़ा है तो उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, दैट इज पी इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये वाला फॉर्मूला हमको पता है, यस और नो, ओके पी नॉट मतलब ऊपर वाला प्रेशर और रो जी एच उसके हाइट की वजह से प्रेशर, ओके तो व्हाट इज पीए का प्रेशर, दैट इज जीरो, तो पीए के जगह जीरो हो जाएगा, एंड व्हाट इज पीबी, पीबी किसके बराबर है, पी नॉट के बराबर है, यस और नो, तो देयरफॉर क्या मिलेगा मुझे, पी नॉट इज इक्वल्स टू जीरो प्लस रो जी एच, एंड व्हाट इज जीरो प्लस रो जी एच, दैट इज रो जी एच। अब जरा ध्यान से देखो, वेयर रो इज नथिंग बट अ डेंसिटी ऑफ मर्कुरी और जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 13600 केजी पर मीटर क्यूब, ओके अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग देखने जाए इसका वैल्यू, तो डेंसिटी का लगभग वैल्यू होता है, डेंसिटी ऑफ मर्कुरी का लगभग वैल्यू होता है कितना होता है, दैट इज 13600 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम लोग जी देखने जाए तो जी तुम्हारा क्या होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी अपने को पता है, एंड व्हाट इज एच, एच इज नथिंग बट अ हाइट ऑफ द मर्कुरी लेवल, और ये तो हम लोग मेजर कर ही लेंगे ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 760 mm, कितना होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 760 mm। अब ये सारा वैल्यू यहां पे तुम सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल गेट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ओके इसलिए हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर को कभी कभी क्या बोलते हैं, दैट इज 760 mm ऑफ एसजी, मतलब जब कभी भी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मर्कुरी 760 mm तक राइज होगा, दैट मींस कि भाई वहां पे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, दैट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, ओके एंड दैट 1 atm इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हम लोग ने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ये सब डिस्कस किया है, क्लियर समझ में आया, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम एटमोस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके सो मर्कुरी बैरोमीटर इस्तेमाल होता है टू कैलकुलेट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन, पक्का चलो बहुत बढ़िया, देख लो अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, अगर नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे की कहानी क्या है, द
द नेक्स्ट इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर. ओके, तो एक तरह से ये इसको एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड यू शेप्ड मैनोमीटर. ओके, यू शेप्ड मैनोमीटर क्योंकि देख सकते हो तुम लोग यू शेप्ड है. तो ये क्या यूज होता है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्यों यूज होता है? ये यूज होता है किसी भी फ्लूइड का ये निकालने के लिए, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए. ओके, कोई भी फ्लूइड का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए. तो अभी यहां पे क्या करते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग यूज करते हैं एक यू शेप्ड का ट्यूब, यहां पे देख सकते हो, और ये एक चैम्बर डी है. अब ये डी चैम्बर में क्या रखना है अपने को, ये डी चैम्बर में जो भी जिसका भी प्रेशर तुमको कैलकुलेट करना है उसको डी चैम्बर में लगा के रख देना. मतलब इनिशियली ये जो डी चैम्बर है ये नहीं रहेगा. जैसे मान लो ये डी चैम्बर नहीं है. ओके, मान लो ऐसा कुछ तो है. ओके, अब मान लो कि इसके अंदर मैंने कोई लिक्विड भरा हुआ है. अब जनरली इसके अंदर मैं कोई भी लिक्विड भरूंगा तो दोनों का लेवल सेम रहेगा. यस और नो? मतलब ऐसा है, अब इसके अंदर मैंने कोई लिक्विड भरा, लेट्स से ऐसा लिक्विड डाला, तो दोनों का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा. हाँ, है ना, लिक्विड लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम लिक्विड लेवल रहेगा, बराबर. अब मान लो कि भाई इसके अंदर कोई एयर मैंने डाला, ओके, या फिर कोई बलून है, कुछ भी है, कुछ भी डाला इसके अंदर. ओके, अब इसको क्या किया, यहां पे इसके साथ अटैच कर दिया. अब जैसे ही यहां पे आया, इसके साथ क्या किया, इसके साथ अटैच कर दिया, बराबर. अब जैसे ही इसके साथ अटैच करूंगा, थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, नहीं तो इधर आया. अब इसके साथ इसको अटैच कर दिया, यहां पे अटैच कर दिया. अब जैसे ही अटैच करूंगा तो इसका जो भी प्रेशर रहेगा वो यहां पर आना चालू होगा, और इसका प्रेशर यहां पर एक प्रेशर अप्लाई करेगा. हाँ, आना, और जैसे ही यहां पर एक प्रेशर अप्लाई करेगा, ये वाला लिक्विड नीचे जाना चालू होगा और ये वाला लिक्विड ऊपर जाना चालू होगा. मतलब ये वाला लिक्विड थोड़ा नीचे आएगा और ये वाला, मतलब वहां पे हाइट डिफरेंस बनना चालू होगा. हाँ, ना, वहां पे देखो, यहां पे जैसे बनाया मैंने तो यहां पे हाइट डिफरेंस आना चालू होगा. दिस इज द हाइट डिफरेंस, बराबर. हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं, बात समझ में आ रहा कि नहीं, बहुत बढ़िया. अब बस एक चीज क्या अज्यूम करना है कि इसके अंदर जो तुम लिक्विड डालोगे ना, दैट लिक्विड विल बी अ लाइट डेंसिटी लिक्विड. लाइट डेंसिटी लिक्विड मतलब वहां पे हम मर्क्यूरी नहीं यूज करेंगे, सिंस मर्क्यूरी बहुत ज्यादा डेंसिटी है. तो हो सकता है कि ये जो प्रेशर यहां पे हम लेंगे, यहां पे जो फ्लूइड लेंगे, वो उसके ऊपर उतना प्रेशर ना लगा पाए और उतना ज्यादा डिफरेंस ना आए, और कम डिफरेंस आएगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग यहां पे लाइट डेंसिटी लिक्विड यूज करते हैं. एग्जांपल तुम्हारा वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, ओके, अल्कोहल हो गया, तो ये सब लाइट डेंसिटी लिक्विड है, तो वो हम लोग यहां पर ज्यादा करके इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो लेट्स से यहां पर मैंने ये जो चैम्बर है वो यहां पर लगा दिया. लेट्स से ये चैम्बर यहां पर लग गया. अब जैसे ये चैम्बर यहां पर लग जाएगा, जैसे ये चैम्बर यहां पे लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहां पे हाइट डिफरेंस आ जाएगा. अब मुझे क्या करना है, मेरा जो मोटो है, मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है द प्रेशर एट डी. ये जो डी का प्रेशर है, मतलब इस चैम्बर का प्रेशर है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है. तो लेट्स से अगर हम लोग ध्यान दें तो ए पॉइंट जो है, पॉइंट ए, ये एटमोस्फियर पे ओपन है, तो पॉइंट ए इज ओपन टू एटमोस्फियर. हाँ, या ना, सिंस पॉइंट ए इज ओपन टू एटमोस्फियर, मैं बोल सकता हूं प्रेशर एट ए कितना लग रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. भाई ए पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा. हाँ, है ना. अब अगर मोई कुछ पूछेगा कि भाई ये जो बी है, ये बी पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर एट बी पॉइंट कितना हो जाएगा, दैट इज पी बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस रो जी एच. हाँ, ना भाई, क्या ही होगा, दैट इज पीबी इज इक्वल्स टू पीए प्लस रो जी एच. ये जो रो जी एच है ये हाइट, और ए पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखने जाए तो ए पे कितना प्रेशर लग रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक. मतलब यहां पे पीए के जगह मैं पुट कर सकता हूं पी नॉट प्लस रो जी एच. आया ना, मतलब मेरे को प्रेशर बी पे आ गया. अब मेरे को बी पे प्रेशर आ गया, अब सिंस बी पे प्रेशर आ गया तो मेरे को पता है ये जो बी और सी पॉइंट है ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो जितना प्रेशर बी पे होगा उतना ही प्रेशर किस पे होगा, सी पे होगा. तो मैं बोल सकता हूं सिंस B and C is at same horizontal level, तो प्रेशर एट B will be equals to प्रेशर एट C. भाई जो भी तुम्हारा B पे प्रेशर होगा वो सेम प्रेशर किस पे लगेगा, C पे लगेगा. अब B किसके बराबर है, B बराबर है P नॉट प्लस रो जी एच. सो देयर फॉर पी सी भी किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज P नॉट प्लस रो जी एच. हाँ, ना, बराबर. अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पी पीसी प्रेशर है, ये प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, ये प्रेशर लग रहा है ड्यू टू डी की वजह से. हाँ, या ना भाई, यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू डी की वजह से लग रहा है. तो यहां पे मैं बोल सकता हूं प्रेशर
एक्टिंग प्रेशर एक्टिंग एट सी इज ड्यू टू फ्लूइड प्रेजेंट इन डी, बाय डी जो डी चैम्बर में जो फ्लूइड है वही प्रेशर लगा रहा है ना सी पे, तो मतलब जितना सी पे प्रेशर होगा वही प्रेशर तुम्हारा डी का होगा, सो देयरफॉर प्रेशर सी इज इक्वल टू प्रेशर डी। हाँ है ना, अब सी का प्रेशर क्या है, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच, देयरफॉर डी का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी डी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। अब देखो जरा व्हाट इज पी नॉट, पी नॉट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसका वैल्यू अपने को पता है। व्हाट इज रो, रो इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, भाई ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है, उसका भी प्रेशर अपने को पता है। व्हाट इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी अपने को पता है। व्हाट इज एच, एच इज नथिंग बट दिस हाइट डिफरेंस, भाई ये हाइट डिफरेंस भी अपने को पता है। सारा वैल्यू अपने को पता है, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू, यू विल गेट द प्रेशर एट डी, भाई डी पे कितना प्रेशर मिल रहा है वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल तरीके से। बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो लिक्विड यूज कर रहे हो वो थोड़ा सा लाइट डेंसिटी लिक्विड यूज करो, यहाँ पे मर्कुरी यूज मत करो, क्योंकि यहाँ पे जब तुम मर्कुरी यूज करोगे तो मर्कुरी बहुत ज्यादा डेंस होता है, तो हो सकता है यहाँ का जो फ्लूइड हो वो उस पर ज्यादा प्रेशर ना लगा पाए, तो तुमको हाइट डिफरेंस उतना अच्छे से ना मिले। अब हाइट डिफरेंस अच्छे से नहीं मिलेगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लाइट डेंसिटी लिक्विड यूज करो, लाइक वाटर अल्कोहल। ओके, क्लियर बात समझ में आया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग प्रेशर एट डी। तो इस तरह तुम लोग कोई भी बोलते हैं ना किसी भी फ्लूइड का प्रेशर तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जनरली गैस का यूज करते हैं हम लोग, तो किसी भी गैस का तुम प्रेशर इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई इस गैस का या फिर इस चैम्बर का या फिर इस जगह का कितना प्रेशर है। क्लियर समझ में आया सबको, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओके, इट इज यूज टू फाइंड और इट इज यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एनी चैम्बर। ओके, चैम्बर का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है ये। ओके, क्लियर समझ में आया। मेजरमेंट ऑफ, हम लोग ने दो डिवाइस को मेजर किया, दो डिवाइस पढ़ा हम लोग ने, एक पढ़ा तुम्हारा दैट इज कॉल्ड एज मर्कुरी बैरोमीटर एंड अनदर वन इज योर ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओके, अब इसके बाद की जो कहानी है ना दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, और बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है ना वो सरफेस टेंशन वाले पार्ट से ज्यादा आता है। ओके, तो सरफेस टेंशन वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू बाकी पार्ट भी जरूरी ऑब्वियसली, बट सरफेस टेंशन वाला पार्ट ज्यादा जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सरफेस टेंशन वाला पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर से हम सरफेस टेंशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो वो मिस मत करना। ओके, मेरा पर्सनल सजेशन है क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद द सरफेस टेंशन वाला पार्ट। ओके, सरफेस टेंशन खत्म करेंगे, फिर हम खत्म करेंगे तुम्हारा मोशन इन अ फ्लूइड। ओके, जहां पे हम लोग विस्कोसिटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल वो सब पढ़ेंगे। ओके, वो सब कहानी पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बाद, हम लोग मोशन इन अ फ्लूइड की कहानी स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर बात समझ में आ गया एवरीवन, पक्का? सो अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भाई बेल आइकन दबा दो क्योंकि नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जरूर पहुंचना चाहिए। ओके, सो और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करके कमेंट पूछ सकते हो, अगर कुछ और पूछना है तो इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर दो, मैंने दिया हुआ है फर्स्ट स्लाइड पे, तुमको हैंडल्स मिल जाएंगे। ओके, तो वहां पर तुम जाके मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।